जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप बैठ जाओ। सब बैठ जाओ भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मृत्यु लोक में बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला। सब शरीरों में यही शरीर है। मनुष्य शरीर जितने साधना होती है और जितने भी पशु पंछी जल के जीव है उनमें साधना नहीं, क्योंकि उनमें पांचों तत्व पूरे नहीं है। मनुष्य शरीर में पांचों तत्व पूरे, इसलिए यह साधना का क्षेत्र है। मन बुद्धि चित्त जहां सूरत बैठी हुई है, दोनों आंखों के पीछे वहीं ये सब बैठे हैं। और ये काल भगवान ने अड़ंगा लगाया, अपने एजेंटों को रखा है कि ये जाने न पाए वापिस अपने घर में, तो तुम इसका साथ मत देना। इसलिए साथ नहीं देते हैं, वापिस जा नहीं पाती, यही पर भटकती रहती है सुख आराम आराम के लिए। और मन बुद्धि चित्त का इसके ऊपर पूरा अधिकार रहता है। सूरत को नाम सब की शक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। साधक को चाहिए कि नाम की अच्छी तरह से लग लगन से, यानी बराबर निरंतर साधना करना चाहिए, जिससे नाम प्रकट हो जाए और नाम आने से सफाई हो जाए। तो अंतःकरण की सफाई होगी तो मन बुद्धि भी चित्त भी साफ हो जाएंगे और सूरत भी साफ हो जाएगी। लेकिन ये साथ जब नहीं देते तो अंधेरा पड़ा रहता है कि उन्होंने मन बुद्धि की अहंकार ने इन्होंने पढ़ दे इकट्ठे किए, इसलिए साथ नहीं देते। साथ दे जाए तो पढ़ते उतर जाए तो आँख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए और सब इसकी क्रियाएं काम करने लगे। तो इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है साधना में, कि हम विरह के साथ लगन के साथ साधन करें जिससे कि इनका असर ना हो पाए। विरह में असर नहीं होता, विरह में संसार शून्य हो जाता है, इससे हर चीजों से अभाव हो जाता है और इनकी मन बुद्धि चित्त की झपेट नहीं आती। इसलिए आपने सुना है जिन महात्माओं ने कितना रोया और रो करके यहां से निकल गए, बहुत विलाप किया उन्होंने, तब इनका बस नहीं चला, नहीं तो ये जाने ही नहीं दे। तो आपको यही करना चाहिए कि थोड़ा तड़प बनाए रहो, हमारा किसी तरह से भी साधन बन जाए, हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दें तो एक तो शक्ति का संचार होने लगेगा, प्राप्त होने लगेगी। जब
इसमें शक्ति आ जाएगी तो ये फिर कुछ नहीं कर सकती। तो जब तक अकेली है, इसको किसी का साथ नहीं, तो जब आई थी तो नाम के साथ आई थी, दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, जब तक नाम पकड़े थी तब तक कुछ नहीं था। धीरे 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 पर्दा पड़ा, आंख और कान बंद हुए तो इनका अधिकार हो गया, मन बुद्धि के अहंकार का, बस इनका साम्राज्य है। देखो भाई, हवा साथ नहीं दे रही। आदमी तैयार रहो। सबकी याद कहूँ अब स्वामी, अकह अगाध अपार अनामी। अब वो स्त्री बोली कि आपने जो मुझको साधन बताया, जो अंदर का भेद दिया, उसकी साधना की। वहां हमने देखा कि वहां कोई नहीं है, अकेला है, और उसी का ये सब विस्तार किया हुआ है। वहां कुछ भी अकेला है, पहले भी था, अब भी अकेला ही है, उसी से सारा का सारा विस्तार हुआ। तो पहले उसने अगम लोग, अलग लोग और सच लोग ये स्थापित किए, और अपना एक एक रूप, एक एक सूरत अपने देश की वहां बैठा दी। तो उसका भी एक एक सूरत का भी खरबों चांद उजाला है, छोटा नहीं है दूसरी का, अरबों अरबों सूरज चांद उजाला, फिर तीसरी का कोटान कोट सूरज चांद उजाला, ऐसा वहां प्रकाश। तो इनका प्रकाश जब बर्दाश्त हो जाए तो आगे दाखिल हो सकती है, तब मालिक का जो सबका सृजना है उसका दर्शन हो। सतलोक से ये सब विस्तार हुआ, उन्होंने तत्पुरुष ने निकाला काल को और महाकाल को, अपने शरीर से निकाल दिया। तो दो रूप निकाले, एक स्त्री का एक पुरुष का, और सब मसाला बाहर कर दिया। उनके यहां कोई मसाला नहीं, वो तो निर्मल सत्य देश है, कोई मिलोनी इसी तरह की नहीं है। और ये मसाला दे दिया, यहाँ सब मिलोनी है, हर जगह पे मिलोनी है। तो यहाँ जल पृथ्वी अग्निवायु आकाश, तो कहीं पर 17 तत्व है, कहीं 9 तत्व है, कहीं पर 5 तत्व है, कहीं पर निर्मल तत्व है, स्वच्छ, इसका आभास नहीं होता है। लेकिन सत्य देश में ये कोई तत्व नहीं है, और किसी तरह मिलोरी नहीं, निर्मल अखंड अस्थाई, ये सब देश परिवर्तन इनका हो जाता है। लेकिन सदेश का अलग अवगम का परिवर्तन इनका नहीं होता है, आगे अनामी पुरुष है। तो स्त्री साधना में जो देखा उसने, तो ये सब पाया, नीचे सबको देखा,
नीचे के सबको प्राप्त किया, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को, महाकाल पुरुष को भी देखा और सतलोक में गई। सतपुरुष का दर्शन, अलग पुरुष का दर्शन, अगम पुरुष का दर्शन, तब अनामी पुरुष को तब पाया। वही है सबका करता धरता, उसी से ये सब हुआ। वो अभी अकेला ही है, सबने अकेला ही बताया कि अकेला है। वहां सुरते खचा खच, कोई जगह खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं। सूरत और सब बस इसी का मेला और कुछ नहीं, ऐसा है। और अनंतों उस लोक में अनंतों लोक समाये हुए और अनेक अनेक अद्भुत रचना विचित्र विचित्र जो यहाँ लिखने में न कभी आ ही ना सकेगी, क्योंकि वहाँ ये चीज है ही नहीं। यहाँ जो वहाँ पर है खाली इशारा है, तो इशारा ही में साधक समझ जाए और चल पड़े तब जो जा सकता है, और इशारा नहीं समझा तो नहीं जाएगा, तो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो आपको चढ़ना चलने का पूरा रास्ता बताया कि आप लोग संसारी कामों को ढीला करो, थोड़ा कम करो। ये तो हम समझते हैं कि काम सब खराब हो चुके, लेकिन फिर भी जो साधक है उसको बरकत मिलेगी, अपनी समझदारी से ढीला करें, ईमानदारी और मेहनत का काम करें। और करते हैं ईमानदारी मेहनत का, ऐसा कि नहीं करते। किसी जगह भी रहे, दुकान में रहे या दफ्तर में रहे, किसी छोटे बड़े दफ्तर में, तो वहाँ रहते हैं ईमानदारी मेहनत के साथ। और खेती में भी ईमानदारी मेहनत, लेकिन यह है कि वो चीज़ कम दिखाई देती है, ये ज़्यादा है। या ईमानदारी और मेहनत नहीं है तो साधक इससे बड़े कुंड से निकल करके चलता है तो चारों तरफ से घेरा घारी होती है, इसी तरह से निकल ना सके और इसी में गिर रह जाए।